印度最大城市孟买发生严重火灾，当地一家多层楼商店清晨时分疑似电线短路引发火患，火势快速地蔓延到了楼上单位，业者一家七口葬身火海，死者包括两名孩童和一名15岁的少女。ग्राउंड फ्लोर पे एक शॉप था और ऊपर दो मंजिला में उसी फैमिली के लोग रहते थे तो इसमें 7 लोग इसमें झुलसे और उनकी डेथ हुई है और 2 लोग जो शॉप में सोए थे वो बाहर निकले हैं तो जो जो फायर हुआ है उसके जो रीजंस है उसके बारे में हम फॉरेंसिक टीम और फायर ब्रिगेड के जो उनकी टेक्निकल टीम है उनसे हम इन्वेस्टिगेट करवा के एग्जैक्ट रीजन का पता करवाएंगे।位于孟买商波尔的商店今天清晨5:20起火，由于店内存放了电线和电器，火势快速蔓延到了住着业者一家的楼上单位，七个人送到医院时已经断气。警方证实死者分别是6岁女孩、10岁男童、15岁少女、30岁和39岁的女子、30岁的男子以及60岁的妇女。警方初步怀疑是电线短路引发大火，不过确切的起火原因还在调查中。